मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा कैसे करें, भोग में क्या लगाएं और पूजा मंत्र क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित होते हैं। स्कंद माता चार भुजाओं वाली होती हैं और कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। इनको विद्यावाहिनी भी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करना शुभ होता है और सुख शांति एवं शुभता की प्राप्ति होती है। अब पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं। सबसे पहले स्कंद माता को नमन करें, फिर पूजा में कुमकुम अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करें, फिर चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं, माँ को केले का भोग लगाएं, मंत्र सहित माँ की आराधना करें, माँ स्कंद माता की कथा पढ़ें या फिर सुने, माता की आरती करके अंत में प्रसाद का वितरण करें।